हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम रंजित मिश्रा है और आप मास्टर मोर्स अकेडमी के चैनल देख रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं आज हग डे है, तो आज के दिन मैं आपको कुछ स्पेशल टेक्निक बताने वाला हूँ कि कोई आपको फ्रंट से जबरदस्ती हगे, यानी सॉरी मतलब कोई जबरदस्ती आपको पकड़े तो क्या करना है। तो ये मेरे स्टूडेंट है छाया जी, इनकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बचना है कोई अगर आपको जबरदस्ती फ्रंट से ग्रैब करे। तो पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि इनकी एज 43 इयर्स है और ये अभी भी मार्शल आर्ट्स को बहुत पैशनेट तरीके से कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये अगर सड़क पे होता है ऐसा इंसिडेंट तो किस तरीके से डिफेंड करना है, फिर उसके बाद मैं आपको ठीक से समझा दूँगा। ग्रैब करने के पहले कितने तरीके होते हैं वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। तो एक बार ग्रैब करने के जो तरीके हैं, ठीक है, तो ग्रैब करने का तरीका, पहला तरीका हाथ ये है, ठीक है, और हाथ के अंदर से ये गया और फिर मैंने इनको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। सेकंड तरीका हाथ भी पकड़ने आ गए, अब हाथ को भी ग्रैब कर दिया है। इन्हीं में दो टेक्निक और ऐड हो जाती है, जब यूं पकड़ लेता है बंदे को यूं उठा लेते हैं, ठीक है, और यूं पकड़ के फिर ये उठा लेते हैं। ये चार तरीके के टेक्निक्स हैं इसे बचना। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि पहले एक एक करके सारे तरीके पकड़ेंगे। तो आज की वीडियो में ये रहेगा कि कोई इस तरीके से पकड़ ले तो फिर किस तरीके से बचना। तो जैसा आप देख रहे हैं जो इसने इनको पकड़ा हुआ है वो हाथ ऊपर है और इसका हाथ नीचे आ रहा है, मतलब हाथों के अंदर से पकड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले टेक्निक आएगी, सबसे पहले टेक्निक क्या होगी कि ये इधर से, ठीक है ना, अपने हाथ के पाम से चिन पे प्रेशर डालना और आंखों में साथ साथ उंगली पूरा गाड़ देना, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिचुएशंस के लिए नहीं है, ये है बहुत ही वायलेंट सिचुएशन के लिए। ऑफ कोर्स वीमेंस के लिए बहुत ही वायलेंट सिचुएशन है, कोई आपको जबरदस्ती पकड़ रहा है तो हमें फिर बिल्कुल ही वायलेंट ही चीज करनी है। तो ये जैसे इसने पकड़ा हुआ है उसके बाद यहीं से एल्बो चलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से पकड़ के ये और फिर ये ग्रॉइन पे नी लगेगा, ठीक है। एक बार करके दिखाते हैं, ये तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसको चाहते हैं स्ट्रीट पे अप्लाई करना तो इसके लिए बार बार प्रैक्टिस चाहिए ताकि वो आपके स्किल्स में कन्वर्ट हो जाए, आपका सेकंड नेचर बन जाए ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो फिर अगले वीडियोस में मिलते हैं कुछ और विमेन सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स के साथ। तो तक ले हर बात।